समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की मैं समय में जौहर यूनिवर्सिटी में हूँ। आपको बताते हैं शत्रु संपत्ति की जो जमीन है उसमें दो बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग है और एक जिसमें आले हसनपुर सीओ रिटायर जो थे वो रहते थे, वो सील होगी। हालांकि प्रशासन के अधिकारी और नायब तहसीलदार सब यहाँ पर मौजूद हैं और इसको सील करने की कार्रवाई जो है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। शत्रु संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है, 43 घाटा संख्या है, उसमें से ही एक घाटा संख्या ये है जिसमें इस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन के अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में साथ ही नायब तहसीलदार और मुरादाबाद मंडल की टीम आकर यहां पर जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो वो जौहर यूनिवर्सिटी में ही दूसरा बगल में ही जो गेस्ट हाउस है उसके बराबर में है जिसमें पूर्व सीओ आले हसन रहते थे, वो उस बिल्डिंग को भी हालांकि सील किया जाएगा। दोनों ही घाटा संख्या में जो है ये बिल्डिंग आती है। आरोप ये लगा है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कई सारे घाटे संख्या 43 के आसपास घाटे संख्या हैं जिसमें शत्रु संपत्ति बताया गया है, उसी पर जो है अमल करने के लिए अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो जानकारी परवेज के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश।